हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत दिन बाद सोचा कि एक ब्लॉग बनाता हूँ। आज सैटरडे था, छुट्टी भी थी घर की, और मैं सुबह सुबह उठा तो कारपेंटर भी आए हुए थे घर में। थोड़ा सा कारपेंटर भी ऐसे काम करवा रहे थे थोड़ा फर्नीचर का। पहले तो ये टीवी कैबिनेट के नीचे बहुत जगह खाली थी, तो सोचा यहाँ पर थोड़े रैक्स बनवा लें, जिससे जो यूज़लेस सामान इधर उधर पड़ा रहता है वो इसमें स्टोर हो जाएगा। बट एट द एंड मैं आपको दिखाऊंगा कि इन रैक्स को भैया ने बहुत मेहनत से लगाया, बहुत अच्छा बना के लाए थे, पर एट द एंड हमने इसका क्या किया, एंड में दिखाता हूँ मैं आपको वो। अभी आप ये देखो, बहुत ही प्रोफेशनल काम करते हैं, बहुत ही अच्छे कारीगर हैं ये। Your baby girl, I'm going my own world. Tell me what to do. Show some respect, just like I should. I do it on my own. They tie me down just like a tie. Start a fake shit, erase it. You know I'm more than fashion born. Stop, you're still getting my way. Hand out, stomach, my best, and I stay. Did you plan B? I did put in that rage. In my head, pushing on, do it, that shit, shit. और यहाँ पर फिर भैया कंफ्यूज़ हो गए कि इस रैक को लगाऊं कैसे, क्योंकि जो नाप लेके गए थे वो दूसरे भैया थे और लगाने दूसरे भैया आए हैं। तो फिर ये डिस्कशन चल रहा था कि कितने साइज़ पे लगाएं, कितने डिफरेंस पे लगाएं, कहाँ लगाएं, कहाँ नहीं लगाएं। तो इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो गया, कम से कम आधा घंटा वेस्ट हो गया। तो यही डिस्कशन चल रहा था, फिर इतने में पता चला कि भैया इंची टेप ही लाना भूल गए। जिस टेप से मेज़रमेंट करेंगे पता चला वो टेप ही लाना भूल गए। फिर बहुत ढूंढा करा एक कट्टे में, तो एक सामान भर के लाए थे भैया पूरा, बहुत ढूंढा करा। फिर लास्ट में जाके इनको एक इंची टेप मिली, जिससे इन्होंने नापा और 1.5 फुट के गैप पे दो शेल्फ लगाए। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, सोचा था जल्दी काम कंप्लीट हो जाएगा, पर शाम हो गई इस काम को होते होते। The styles, take a deep breath, feel on the grounds. I'ma make them on my button, shout it out. One step, I'm need a little way out. Can't hold back, I'ma get what I want. Counting the stats, I sell a jack. Got no money, but I need a friend. Take a shit, gen, that way I do shen. Out of here, stay all my boys at one end. Stop, you still getting my way. Hand out, stand with my best and I stay. Just plan B, I'm defending that rage. In my head, I'm pushing on, do without a shit, shit. फिर फाइनली यहाँ पे शेल्फ का काम पूरा हुआ। तो मैंने सोचा कि आज एशियन गेम्स का कबड्डी का फाइनल था ईरान और इंडिया के बीच में गोल्ड मेडल के लिए, वो चलाया तो देखा तो उसमें तो लड़ाई हो रही थी, किसी पॉइंट्स को लेके लड़ाई हुई थी ईरान और इंडिया के बीच में। इंडिया कह रहा था कि वो पॉइंट हमको मिलने चाहिए, पर ईरान कह रहा था कि हमारे दोनों प्लेयर लाइन के अंदर ही थे। कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, उसकी वजह से कॉम्पिटिशन सस्पेंड भी हो गया था। 25 मिनट तक इंडियन प्लेयर्स ने प्रोटेस्ट किया कि हम नहीं खेलेंगे। फिर एट द एंड इंडिया को पॉइंट जब दिया गया तो फिर ईरान के प्लेयर्स बैठ गए कि नहीं, ये पॉइंट इंडिया को क्यों दिया गया। एट द एंड 1 घंटा तक गेम रुका रहा, उसके बाद वापस रिज्यूम हुआ गेम। फिर इंडिया ने फाइनली गोल्ड जीता कबड्डी में भी, और 100 मेडल्स आज पूरे हो गए इंडिया के एशियन गेम में, सेंचुरी हो गई। फिर उसके बाद ये वाले कुछ रैक्स किचन में लगने थे, क्योंकि जब हमको बिल्डर ने मॉड्यूलर किचन बना के दिया था तो उसमें स्टोरेज कम था, तो हम उसमें अब एक्स्ट्रा रैक्स लगवा रहे हैं। Oh,
फाइनली ये ड्रॉर्स कुछ ऐसे लग रहे हैं। ये थैली है, ये कल हटाऊंगा इसको पूरी को। और ये वाला एक कैबिनेट यहाँ लगवाया था, जिसमें सामने हमने कांच का व्यू दिया है। ये दोनों ही ड्रॉर हाइड्रोलिक हैं। और जो मैं आपको बता रहा था, जो हमने यहाँ पर एक ड्रॉर लगवाया था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, आपको दिखाता हूँ। आपको जो हमने स्टार्टिंग में लगवाया था ना यहाँ पे, तो वो बाद में बहुत कंजस्टेड लग रहा था सब कुछ। तो एट द एंड देखो पूरा घर कितना बिखरा हुआ है। ये देखो पूरा घर बिखरा हुआ है। जैसे जब पहली बार शिफ्ट हुए थे ना फ्लैट में, तब ऐसा बिखरा हुआ था। ये देखो पूरी गंदगी हो रही है। तो फिर एट द एंड वो कैबिनेट निकलवा के हमने यहाँ पर लगवाया। देखो यहाँ पर भी अच्छा लग रहा है वैसे, नॉट बैड। देखो इसको खोल के दिखाता हूँ, ये ऐसे खुल जाएगा। एक कैबिनेट ये यहाँ लगवाया है और एक कैबिनेट यहाँ लगवाया है, ये वॉशिंग मशीन का सामान वगैरह रखने के लिए। तो बढ़िया काम हो गया आज पूरा फर्नीचर का। शाम को मैं और मम्मी बहुत थक गए थे, तो सोचा बाहर ही खाना खाने चले जाते हैं, क्योंकि मम्मी में हिम्मत नहीं थी खाना बनाने की और मेरा भी मन नहीं था। तो फिर हम बाहर गए चौपाटी पे। मम्मी ने ऑर्डर किया था अपने लिए डोसा रमन डोसा से, और मैंने सोया चाप विद रुमाली रोटी। ये पुलिस वाले भैया भी आ गए थे सबको हटाने के लिए अपनी फेमस आवाज़ में। उसके बाद हम गए ब्रिजवासी फलूदा खाने के लिए, बहुत टेस्टी फलूदा मिलता है गाइस। इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड होता है। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।